नसबंदी कैंप में हुई बड़ी लापरवाही की जांच के लिए पहुंचे दो नायब तहसीलदार। जांच के लिए पहुंचे दो नायब तहसीलदार परिजनों से की जा रही बातचीत। आपको बता दें, जिला अस्पताल में जारी है पोस्टमार्टम कटनी। नसबंदी कैंप में महिला की मौत का मामला, जी हां, कटनी के रिथी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत बिलहरी में शनिवार को परिवार नियोजन के तहत आयोजित नसबंदी केंद्र में लापरवाही के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। जिस मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कटनी कॉलकट शशि भूषण सिंह को फटकार लगाई थी और रात होते ही कटनी कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया, जिसके बाद से हेल्थ विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है और कलेक्टर के ट्रांसफर के बाद जिला मुख्यालय चिकित्सालय के CMHO कार्यालय में हेल्थ विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर वी एस ठाकुर पहुंचे और नशबंदी कराने पहुंची महिला की मौत के मामले की जांच की जा रही है। शनिवार को कटनी के रेठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत बिलहरी में परिवार नियोजन के तहत आयोजित नसबंदी केंद्र में बिलहरी निवासी सियाबाई पते शिव कुमार चौरसिया, उम्र 25 वर्ष, निवासी बिलहरी, नसबंदी ऑपरेशन कराने पहुंची थी। शाम को इंजेक्शन लगाते ही महिला की हालत बिगड़ गई थी, जिसे आनन फानन में स्वास्थ्य महकमे ने जिला अस्पताल रेफर किया, जहां पर देर रात डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। महिला के मौत के बाद परिजन भड़क उठे और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतक सिया चौरसिया के पति शिव चौरसिया ने आरोप लगाते हुए बताया कि नसबंदी शिविर में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जान गई है। जी सर, बताया आपने किस संबंध में जांच? नहीं, मैं आज आया था यहाँ 5 तारीख को नसबंदी शिविर के दौरान बिलहरी में एक महिला की मृत्यु हुई थी, उस संबंध में आया था मैं। अभी सबसे पहले मैंने बिलहरी में वहाँ का स्थल निरीक्षण PHC का देखा और उसके बाद यहाँ आया हूँ जानकारी के लिए। वहाँ पर मैंने जो भी स्टाफ था उनसे उस कैंप दिवस के संबंध में चर्चा की। वहाँ क्या पाया गया सर उसमें? अभी तो सभी के कथन मैंने लिए हैं, अब उसके बाद जो है एंड रिजल्ट निकलेगा। अभी तो प्राइमरी फेस ये लग रहा है कि इंजेक्शन लगने के तत्काल बाद ही उसको हो सकता है कि शॉक की वजह से वो उसकी हालत बिगड़ी और यहाँ आते आते उसकी मृत्यु हो गई। घटना पर सर किन किन पर कार्रवाई जो है? अब कार्रवाई अभी देखते हैं कि किन किन की इसमें दोष है। वैसे तो सामान्यतः कोई भी इंजेक्शन कभी भी, कोई भी दवा कभी भी किसी व्यक्ति को जो है रिएक्ट कर सकती है। 100% सेफ्टी किसी भी चीज की नहीं रहती है, परंतु फिर भी उसमें देखा जाए कि उनने ठीक से दिया नहीं दिया, क्या सर, तरीका रहा। इतनी बड़ी घटना सामने आने के बाद भी सर लगातार नसबंदी कैंपों में लापरवाही जारी है। कल रात में 9 बजे के बाद ऑपरेशन रेठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू किए। देखिए, सर्जन इस समय बहुत कम है सभी जिलों में और एक एक दो दो तीन तीन कैंप भी सर्जन कर रहे हैं। उसमें टाइम तो एडजस्ट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसी समय लोग आते हैं ऑपरेशन के लिए और उनको अपन वापस नहीं कर सकते। सर, इसमें यह भी नहीं देखा गया, सर्जन तो पहले अपने निजी क्लिनिक में इलाज करते हैं, इसके बाद फिर ऑपरेशन के लिए निकलते हैं, इस पर जिले के मुख्य अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे? नहीं, यदि इस पर कहीं कोई शिकायत मिलती है तो उनकी जांच की जाएगी कि वो ऑपरेशन के समय जब उनको जाने को बोला गया है तो वो क्लिनिक में थे या कहाँ थे। सर, ये कल जो CM के फटकार के बाद जब कलेक्टर यहाँ से अलग हो चुके, तब जाकर ये जांच शुरू की गई? जांच तो पहले, जांच तो प्राइमरी फेस पहले ही रिपोर्ट आ चुकी है। उस समय जांच नहीं चल रही थी क्या, जब तक फटकार नहीं लगी थी? नहीं नहीं, जांच तो पहले ही CMHO लेवल से की जाकर के रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। उस दौरान CM का खुद का कहना था मुझे कोई रिपोर्ट नहीं आई थी और ऐसा बकायदा कलेक्टर को बोला गया कि रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई? अब कलेक्टर के यहाँ से क्यों नहीं गई, अब ये तो मैं नहीं बता सकता। बाकी प्राइमरी रिपोर्ट जो है CMHO लेवल से प्राप्त हो गई थी, वो आगे भेजी जाएगी। उसमें क्या है, जब तक पूरी जांच नहीं होती है, प्राइमरी फेसी जांच जो है वो एक अनुमान रहता है। सर, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर और क्या सोचता है? पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए तो वैसे ही सावधानी पूर्वक सभी चीजें करने का रहता है, लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं उनको पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इंजेक्शन या दवा किसी को रिएक्ट नहीं करेगी या और कोई सडन कोई घटना ऐसा ना हो। बचाव के कारण सभी
तरीके अपनाए जा सकते। सर दवाओं के रिएक्शन के अलावा भी जो आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो कैंप से बिल्कुल नजारा रहती है जबकि पर्याप्त बजट जिले को आवंटित होता है। कैंप में जो सामान व्यवस्थाएं हैं वो लोकल स्तर पर बीएमओ का काम रहता है कि जहां वो कैंप संचालित है वहां पर पूरी व्यवस्था करें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229।